Jabin! 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 राजेंद्र मधुकर और इस वक्त आप देख रहे हैं सीकर टाइम्स। हमारे साथ हैं नरेश मंडीवाल जो कि पूर्व सरपंच हैं और राष्ट्रीय संत तरुण सागर के आरक्षण विरोधी बयान के विरुद्ध में बहुजन समाज ने एक मोर्चा खोला है। मेरे साथ सरपंच साहब हैं। मैं सरपंच साहब आपसे जानना चाहता हूं, आखिर तरुण सागर ने ऐसा क्या कहा कि बवाल खड़ा हो गया? देखिए राजेंद्र जी, तरुण सागर जी महाराज हैं, उन्होंने ये कहा कि आरक्षण जो है वो राष्ट्र विरोधी है और आरक्षण के कारण हंस पिछड़ रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं। कौवे के प्रति आप क्यों ले रहे हैं कि कौवा को किसको कहा गया? कौवा कहा गया तमाम जो जनरल समुदाय है उसकी 7.5% महिलाओं को जोड़ दें तो 92% लोगों को कौवा कहा उन्होंने कि ये कौवे जो हैं ये आरक्षण की वजह से उड़ रहे हैं और हंस पिछड़ रहे हैं जो कि 7.5% लोग बसते हैं। नहीं, रिजर्वेशन को लेकर तो बहुत से ऐसे संगठन रहे हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, सामाजिक न्याय मंच है, बहुत से ऐसे मंच हैं, फिर आपने कभी उनके खिलाफ इतना मोर्चा नहीं खोला, आपको क्या क्यों आवश्यकता पड़ी तरुण सागर के खिलाफ अचानक इस तरह के मोर्चा खोलने की? देखिए समय समय पे, हाँ आप सही कह रहे हैं, समय समय पे लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं, मगर तरुण सागर जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है जी, जिस तरह का समाज में उनका सम्मान है, मान है, और उस पद प्रतिष्ठा पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान दे तो वो निश्चित रूप से हृदय को लगने वाली बात है और ये तमाम आरक्षित समुदाय के लिए तुक्का विषय है कि जिसने उनको सर आंखों पे बिठाया आज वही उनके विरोध की बात। उन्होंने आरक्षण के विरोध में जो कथन कहा उस पर आपको आपत्ति है या उन्होंने जो कौवे उड़ रहे हैं इस वाक्य पर आपको आपत्ति है? देखिए सर, कौवे शब्द से हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कौवा तो वो पक्षी है जिसे 15 दिन हम हिंदू लोग अपना बाप बना लेते हैं, इसलिए कौवे से आपत्ति नहीं। आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है और इस सम्मान के पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने किया है, ये आपत्ति का विषय है। ये जो आपने अभी जो सड़क पर प्रदर्शन किया, ये कहां से आप आए और आगे आपके क्या कार्यक्रम है? सर सड़क पे अभी जो प्रदर्शन किया है डॉक्टर अंबेडकर सर्किल से लेके अहिंसा सर्किल तक नारेबाजी और उनकी सब यात्रा निकाली गई। हम मांग करते हैं कि तरुण सागर महाराज हैं वो अपना जो कथन उन्होंने बयान दिया है उस पर वो क्षमा याचना करें तमाम आरक्षित वर्ग से, अन्यथा ये आंदोलन आगे जाएगा, तमाम राजस्थान नहीं पूरे भारत भर में ये आंदोलन आगे चलेगा। ये कहना है नरेश मंडीवाल का कि अगर तरुण सागर ने अपना बयान नहीं लिया या उन्होंने अगर इस पर जो अपने कथन को वापस नहीं लिया तो एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिएगा सीकर टाइम्स। मैं राजेंद्र मधुकर लेता हूं आपसे विदा।